मित्रों नमस्कार, भाग्य दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड देवताओं के प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ मंदिर आज भी आश्चर्यजनक व हैरान करने वाली ताकतों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक मंदिर है दोणी कालिंका माँ का मंदिर, जहाँ आज भी कालिंका माता देती है भक्तों को दर्शन। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले में पट्टी 11 गांव हिंदाओं के दोणी गांव में है कालिंका माता का मंदिर। इस मंदिर का इतिहास लगभग 450 साल पुराना है। कहा जाता है कि एक औरत को उसके ससुराल वालों ने बहुत मार पीट करके घर से निकाल दिया था। रोती बिलखती हुई और जगह जगह भटकने पर वह महिला इस स्थान पर आई और यहाँ पर पड़े हुए पत्थर यानी शिला पर बैठ गई। वास्तव में उसके मायके में कोई भी नहीं था जो उसके आंसू पोंछे। स्थानीय भाषा में जिसका कोई भी मायके में नहीं होता उसे निर्मैती कहते हैं। रोती बिलखती औरत ने माँ को पुकारा और उसी समय शिला से प्रकट हुई माँ कालिंका और माँ ने उसे वचन दिया कि आज से तेरे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाएगा और उसे वापस उसके घर भेज दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर की खोज एक स्थानीय बेड़ा जाति के व्यक्ति ने की। वह व्यक्ति अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसे एक चमकती हुई धातु की प्रतिमा दिखाई दी और उस प्रतिमा को वह घर ले आया, लेकिन वह बीमार हो गया। स्थानीय नेगी और बिष्ट जाति के लोगों ने फिर से दोबारा माता की मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित कर दी और एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। लेकिन एक अन्य प्रचलित दंत कथा के मुताबिक कालिंका माता का निवास गढ़ कुमाऊं में था। कुमाऊं गढ़ में गोरखों ने आक्रमण कर दिया था और वहां के लोग भागने लगे। उसी समय एक स्थानीय निवासी बेड़ा जाति के आदमी ने कालिंका माता की मूर्ति को कंडी में रख करके दोणी गांव में ले आए और यहां पर स्थापित कर दिया और पहला अवतरण माता का बेड़ों के घर में हुआ और उन्हें दर्शन दिया और दूसरा अवतरण नेगी जाति के लोगों के घर में हुआ और उन्हें भी माँ कालिंका ने दर्शन दिए। दोणी के बिष्ट जाति के लोगों ने माता कालिंका की आराधना प्रारंभ कर दी और यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। पैनुली जाति के ब्राह्मणों ने माँ कालिंका की आराधना और पूजा प्रारंभ कर दी और उसके बाद मंदिर और कालिंका माता का प्रचार प्रसार पूरे क्षेत्र में होने लगा। आज लगभग सारे लोग यहाँ पर माता की आराधना करने के लिए आते हैं और हर साल यहाँ पर एक बहुत भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कथा प्रचलित है कि माँ के दर्शन करने के बाद कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता है। जो एक बार इस मंदिर में आ जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यानी लगभग 50 साल पहले यहाँ पर बलि प्रथा भी थी जो कालांतर में बंद कर दी गई है। तो मित्रों यह जानकारी आपको कैसे लगी जरूर हमें अवगत करवाएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ कालिंका जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अन्य वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।